नमस्कार दोस्तों, न्यू मीडिया क्रिएशन के इस नए सेशन में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में। गूगल एनालिटिक्स में हम अपनी वेबसाइट पे जैसे मेन डोमेन के साथ साथ हम सब डोमेन भी बनाते हैं, सब डोमेन का पेज भी बनाते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स में मेन पेज का जो सब मेन डोमेन रहता है उसको तो हम ऐड कर देते हैं, लेकिन जब सब डोमेन बनाते हैं तो उसके लिए गूगल एनालिटिक्स में कैसे ऐड करते हैं कि जिससे उसका भी जो ट्रैफिक आता है तो वो कैसे हमारे एनालिटिक्स में उसकी ट्रैफिक रिपोर्ट कैसे हम देख सकते हैं। तो इसी संबंध में हम आप सबके सामने ये वीडियो लेके आए हैं। तो कुछ लोगों को तो मालूम होगा, लेकिन बहुत लोगों को ऐसे होंगे जिनको ये मालूम नहीं होगा कि कैसे इसको करना होता है। और सब डोमेन पे वो वर्क तो करते चले जाते हैं, पर उसका ट्रैफिक जो रहता है अपने मेन डोमेन के साथ में, मतलब अपने गूगल एनालिटिक्स में उसका शो नहीं होने पाता है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में कि इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने गूगल एनालिटिक्स में। ये जैसा कि अपना गूगल एनालिटिक्स का हमारा ये इंटरफेस है, तो ये हमारा इंटरफेस खुला हुआ है गूगल एनालिटिक्स का। तो आप अपने खाते में जब एंटर होंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें जाना होता है यहाँ एडमिन में, नीचे ये दिया हुआ है, एडमिन में जाइए। एडमिन में आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पर हमको जाना होता है सीधे यहाँ पे व्यू में। यहाँ पे जाने के बाद हमको अपने सब डोमेन का जो है एक नया न्यू क्रिएटिव अकाउंट खोलना पड़ेगा। यहाँ आते हैं, यहाँ पे अपने को अपना डोमेन का नाम लिख दीजिए। है ना, टाइम जोन डाल दीजिए अपना। क्रिएटिव अभी ये सब डोमेन का आ गया अपना नया व्यू इंटरफेस अकाउंट मेन और ये सब डोमेन का। तो इसके बाद अपन जाते हैं यहाँ पे सब डोमेन के इस अकाउंट में फिल्टर में आते हैं। फिल्टर में आने के अपने को एक नया ऐड फिल्टर क्रिएट करना पड़ेगा, फिल्टर नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फिल्टर नेम में वो लिखना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद है ना, तो ये फिल्टर टाइप में हमें इस तरीके से दो नेम दिखाए, फिल्टर दो टाइप दिखाई देंगे। तो हमें इसमें जाना है कस्टम में। कस्टम में जाएंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें हमको एडवांस सेलेक्ट करना होगा। एडवांस सिलेक्शन में फील्ड ए में एक्सट्रैक्ट ए लिखा आएगा, इसमें हमें जाना है होस्ट नेम। सबसे पहले होस्ट नेम आएगा, होस्ट नेम में हमें क्या करना होगा, इसको ब्रैकेट में डॉट स्टार ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद फिर से हमें देना है रिक्वेस्ट यूआरएल नेम, रिक्वेस्ट यूआरएल में भी हमको यही दे देना है। उसके बाद इसमें आना है रिक्वेस्ट यूआरएल में तीसरे बार में, तो तीसरे इसमें आना है रिक्वेस्ट यूआरआई में, यहाँ पे जाना है डॉलर A1 एंड डॉलर
बी वन। है ना, बस इसके बाद जाके हमको इसको सेव कर देना है। ये क्लिक अपने आप ही रहेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप टिक हुआ रहेगा। और नहीं है तो फिर आप इसको यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए ऊपर से, अपना नाम टाइटल सही है, क्रिएट न्यू फिल्टर, ये यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया। तो ये आपका ऐड फिल्टर में ये नाम आ गया। अब हम इसके बाद चलते हैं वापस यहाँ पे, आइए फिर से, और यहाँ पे आते हैं ट्रैकिंग इन्फो प्रॉपर्टी में आइए। यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी में ट्रैकिंग इन्फो, ट्रैकिंग इन्फो में दिया हुआ रेफरल एक्सक्लूजन लिस्ट। अब यहाँ पर हमें अपने उस डोमेन का नाम टाइप करना है जिस डोमेन को आप रख रहे हैं, सब डोमेन। और ये क्रिएट, ये हो गया, क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से ये क्रिएट हो जाने के बाद फिर हमको अपने यहाँ आइए और रियल टाइम में अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी ट्रैफिक नहीं दिखाया गया, नेल, क्योंकि अभी इसको नया आपने ऐड किया हुआ, अभी इस पर कोई ट्रैफिक नहीं, आपने टेस्ट किया नहीं है, इसलिए भी आपको यहाँ पे पूरा नेल दिखाएगा ये। अब यहाँ देखिए एक्टिव पेज नहीं दिखा रहा है, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए वो पेज इधर खोल रहा है, यहाँ पेज खोलने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। ये अभी इसमें समय लेगा आपको दिखाने में, क्योंकि सबसे पहले इसकी कुकीज़ जो है वो सेट करनी पड़ेंगी, डिलीट करके फिर से करते तो तुरंत दिखा देता, तो ये आपको थोड़े समय बाद आपको 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर में यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। तो आपको नया डोमेन यहाँ पर दिखाई देगा, एक्टिव पेज जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे उसका ट्रैफिक पूरा दिखाएगा डिटेल। तो अभी ट्रैकिंग करने में समय लेता है तो आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया इस वीडियो को यदि पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए, साथ में आप इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
धन्यवाद।